भारतीय टीम का विश्व कप अभियान समाप्त होने के साथ ही टीम के नए कप्तान पर अब जोर डाला जा रहा है। विराट कोहली से उनकी कप्तानी को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। खबरों की माने तो दोस्तों बीसीसीआई का एक पैनल अब कप्तानी बांटने का फैसला भी जल्द ही कर सकता है। लिमिटेड ओवर की कप्तानी रोहित शर्मा के खाते में जा सकती है, जबकि विराट टेस्ट की कप्तानी लगातार करते रहेंगे। दोस्तों आइए नजर डालते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी अब तक कैसी रही है भारतीय इंटरनेशनल टी20 और ओडीआई क्रिकेट में। यह रहा एक स्टेट्स। अब तक विराट कोहली ने 77 वनडे मैचों में कप्तानी की है, 56 मैचों में जीत दिलाई है, 19 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 2 मैच नो रिजल्ट या फिर टाई हुए हैं। वहीं रोहित शर्मा ने 10 ओडीआई मैचों में कप्तानी की है, 8 जीत मिली, 2 में हार और एक भी मुकाबला रद्द नहीं रहा। अगर टी20 की कप्तानी की बात करें तो विराट कोहली ने 22 मैचों में कप्तानी की है, 12 में जीत मिली है लेकिन 9 में हार मिली है और एक मैच टाई रहा। जबकि रोहित की कप्तानी विराट की तुलना में टी20 में बहुत ही ज्यादा शानदार नजर आती है। 15 मैचों में कप्तानी कर चुके रोहित शर्मा ने 12 मैचों में जीत दिलाई है, जबकि 3 हार का सामना करना पड़ा है। इन स्टेट्स से साफ पता लगता है कि लिमिटेड ओवर में रोहित शर्मा की कप्तानी काफी शानदार है। 80% मुकाबलों में वो अक्सर जीत दिला देते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा विराट कोहली की कप्तानी लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में काफी अलग है। दिग्गजों का मानना है कि रोहित शर्मा एक बेहतर कप्तान है विराट कोहली से, अगर लिमिटेड ओवर की बात करें। रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की शानदार कप्तानी के साथ ही 4 बार IPL की ट्रॉफी जीती है और सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 3 ट्रॉफी को भी IPL में पछाड़ चुके हैं। ऐसे में BCCI ये फैसला ले सकती है कि रोहित को कप्तानी अब सौंप दी जाए, क्योंकि सेमीफाइनल में हार के बाद विराट की कप्तानी की काफ़ी बुराई हो रही है कि उन्होंने धोनी की बैटिंग ऑर्डर को लेकर बहुत ही गलत फैसला लिया। जबकि रोहित शर्मा जब भी कप्तानी करते हैं धोनी को उन्होंने नंबर 4 या 5 पर बैटिंग कराई है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या रोहित को कप्तान बना देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो।